ਸੀ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ दस दई कि इस पहला भी बहुत वार हो चुके हैं जो टावर से चढ़ जाता कोई शख्स और अपनिया मंगा लैके वो यही कहता है कि असी मैं थले नहीं आवांगा जो तक मेरिया मंगा पूरिया नहीं होंगे सो पहला मामला नहीं है जो इस तरह के नाल कोई टावर से चढ़िया हो कपूरथला की गल कर रहे हैं जिसे टावर से अध्यापक चढ़िया मंगा लैके अध्यापक ने अपनी जान खतरे में पा दी है और मौके पर प्रशासन पहुँच चुके हैं अध्यापक हेठा उतारन कोशिशां जिहड़ियां ने वो कीतियां जा रही ताकि हेठा उतारा जा सके क्योंकि बड़ा जान का खतरा टावर से किते ना किते एक ऊंचाई से जो शख्स होंगे और नाल ही करंट का भी खतरा रहता है सो दोवें मसले इतने सामने आते हैं जो टावर से कोई शख्स चढ़ जाए तस्वीर भी विखावे तो किस तरह के नाल टावर से चढ़िया हुआ पर वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं कपूरथला तो वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं मौके पर प्रशासन पहुंचे हुए अध्यापक नूं हेठा उतारन दी कोशिशां जारी ने अध्यापक नूं हेठा उतारन दी कोशिशां जारी ने कपूरथला तो वड्डी खबर टावर ते अध्यापक चढ़िया और प्रशासन जिहड़ा है मौके ते पहुंच चुके है ताकि समझा बुझा के उतारा जा सके एक्सक्लूसिव तस्वीरां विखा रहे तुहानूं एक्सक्लूसिव तस्वीरां कपूरथला तो वेख सकते हो टावर ते जिहड़ा अध्यापक चढ़िया होया दस दईए कि अजिहा कोई विभाग नज़र नहीं आउंदा जिस नूं समस्यावां ना होण पर फिलहाल कोरोना की महामारी जिस दे विच सरकार जुटी हुई है उसनू देखते हुए घट्टो घट इस तरह के नाल लैना फैसला बहुत ही जल्दबाजी होएगी पुलिस के वलों अपना पूरा इंतजाम किया गया प्रशासन के वलों फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँच गई है और यह तस्वीर तुहानू विखा रहे हैं जो अध्यापक जिहड़ा अपनी जान उस खतरे में पा दी है और टावर से चढ़े हुए कपूरथला दी तस्वीर ने कपूरथला दी तस्वीर ने जिथे कि अध्यापक टावर से चढ़ गया और इतने पहुँच के इसे कह दिता कि हेठा नहीं उतरेगा पर प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ और इसको समझाने की कोशिश कर रहा है पर फिर भी यह हेठा उतरदा नज़र नहीं आ रहा सो टावर तुसी वेख सकते हो बेहद ही ज़्यादा ऊंचाई है इस टावर की ऊंचाई के नाल नाल इतने खतरा यह भी है करंट का भी खतरा बन जाता है बेहद ही गंभीर समस्या दो तस्वीर विखा रहे हैं टावर से चढ़िया अध्यापक और दूसरी तस्वीर मौके पर पहुंचे प्रशासन दो तस्वीर तुम विखा पा रहे हैं साफ तौर पर किस तरह के हालात बने हुए हैं कपूरथला के इस मौके पर जिथे कि अध्यापक टावर से चढ़िया हुआ और दूसरे पास प्रशासन जिहड़ा मौके पर पहुंचे सो प्रशासन मौके पर पहुंचे मंगा लेके अध्यापक ने अपनी जान खतरे में पा दी है अगर प्रशासन की गल करिए समझाने की कोशिश कर रहा बुझाने की कोशिश कर रहा पर नहीं ये शख्स नहीं मान रहा क्योंकि अगर इस तरह के नाल मामले की पहलों की गल करते हैं तो बहुत देर मुशक्कत करनी पैंदी है काफ़ी देर बाद समझाने बुझाने तो बाद ये हेठा उतरते हैं शख्स पर कई बार जोखिम लेना भी गलत होएगा क्योंकि कुछ नहीं पता लगता जिहे जिहड़े लोग दिलों बुझे होंदे ने जो इस तरह के नाल कदम चुकते हैं निर्मल सिंह फोनलाइन पर मौजूद ने निर्मल तौर तो पहला जानना चाहवांगे मौजूदा स्थिति की है की कुछ हालात ने मौजूदा स्थिति गुरजोत जी ये कि हुण 5 मिनट पहला इस नूं मंत्री साहब ना मिलन दे टैलीफोन ते गल कराउण दा वादा करके इन्हां नूं टावर तो नीचे उतारिया गया उस तो बाद इन्हां नूं हुण डीसी दफ्तर ले आया जा रहा जी फिलहाल उतर चुके ने की कुछ किन्नी लंबा समा मशक्कत करनी पई है या किन्नी देर तो शख्स चढ़िया होया सी क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है इस तरह की स्थिति विच गुरजोत जी ये रात 12 बजे तो लैके तकरीबन 11:30 बजे तक जेड़ा हैगा ये 10:30-11 बजे तक जी उथे उहदे ते टावर ते चढ़िया रहा ते उह कहिंदा जी जिन्ना चिर साडियां मंगां ना मनियां तां असीं उन्ना चिर थल्ले नहीं उतरना काफी जद्दोजहद बाद इहदे पुलिस कर्मी डीसी11 बजे तक
जड़ा है इस नूं उतारिया हुणे गया, यानी कि 5-7 मिनट पहला ही इस शख्स नूं हेठा उतारिया गया। रात दा 12 बजे दा इह शख्स इस टावर ते चढ़िया होया। अध्यापक है और यही कह रहा है साडियां मंगां मन्नियां जाण। अगर अध्यापकां दी गल करदे आ तां बहुत ज़्यादा वड्डी तादाद दे विच इहनां दा प्रदर्शन वेखण नूं मिलदा अक्सर ही, बेशक ओह पटियाला च होवे या किसी भी इलाके च होवे। खास तौर पर अगर इन मंगां दी गल करिए तां पक्के होण नूं लैके, तनखाह दे वादे नूं लैके इस तरह दियां इन्हां दियां मंगां ने। सो हुण फिलहाल इस शख्स नूं उतार लिया गया है। दस दईए और मंत्री साहब दे नाल फोन ते गलबात करवाउण दा वादा किया गया, जिस तों बाद इह शख्स हेठां उतरिया और फिलहाल इस नूं डीसी दफ्तर दे विच ले जाया गया। पर दो तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हां। ₹7800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 12-12, 13-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਵਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਖਾ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਕਲੋਨੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੂਲ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਆਊਗੀ ਨੀਚੇ।